हाय एवरीवन, बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं अपनी लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूँगी, और तीन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स शेयर करूँगी, और फिर उसके पीछे का साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या प्रॉब्लम होती है वो भी मैं आपको बताऊँगी। दूसरे पेशेंट के साथ क्या सफ़र होता है और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए वो बताएँगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो दौरे पड़ते हैं ना लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ होता है तो आपने लोग ऐसे अकड़ जाते हैं, लोग ऐसे कर लेते हैं, सांस रोक लेते हैं, चिल्लाने लगते हैं पागलों की तरह, या फिर अजीब सी हरकतें करते हैं। आप उसको भूत प्रेत बोल सकते हैं कि हाथ पैर पटक रहे हैं, या कुछ भी बोलें, दौरा बोल दें, झटके आना बोल दें, कुछ भी बोल दें। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। पहले आपको कुछ इंसिडेंट्स बताते हो जिससे कि आप समझ सकें। ऐसी चीज़ नहीं है कि दुनिया में केवल कुछ मानसिक रूप से रोगियों के साथ में होती है, ये नॉर्मल घटनाएं हैं, हो सकती है सभी के साथ। पहली घटना मैं आपको बताती हूँ, जब मैं करीबन थी फिफ्थ स्टैंडर्ड में, तो समझ सकते हैं 11 या 12 साल के आसपास की। उस टाइम पर मेरे फादर फॉरेस्ट में SDO की पोस्ट पर थे और हम लोग जंगलों में रहते थे, नेशनल पार्क, प्रॉपर नेशनल पार्क जो होते हैं जंगल, वहाँ रहते थे। तो रात को 10-11 बजे की बात है, मैं बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान कभी भी नहीं रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं रहा कि अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं या फिर रात को यूरिन पास करने के लिए जा रहे हैं, आपको पोटी आ गई तो आपको जाने में डर लगे, अंधेरे से डर लगे, मैं उतनी ज़्यादा डरपोक इंसान जनरली बचपन से कभी नहीं रही हूँ। तो रात को 10-11 बजे थे और फ्रेश होने की इच्छा हुई, सुसु जाने की इच्छा हुई, तो बीच में एक प्रॉपर आंगन था, आंगन क्रॉस करके बाहर की साइड में बाथरूम बनी हुई थी, हम वहाँ पर गए। बाथरूम की तरफ जब मैं जा रही थी ना, तो कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, ऐसे कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से फुफकार रहा हो, बहुत ज़ोर से अजीब सी आवाज़ थी जो कि मुझे समझ में नहीं आई कि कहाँ से आ रही है। अब चूँकि हम लोग नेशनल पार्क में रहते थे, इसलिए रात में पेड़ों की अजीब गरीब सी आवाज़ें आना, कुछ डरावनी आवाज़ें सुनाई दे जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और जैसा कि बताया कि मैं डरपोक इंसान नहीं रही इसलिए इन आवाज़ों से इतना ज़्यादा डर नहीं लगता था। एक लॉजिकल दिमाग हमेशा होता था कि यार पेड़ों में से कुछ आवाज़ आ रही होगी, या पेड़ों के ऊपर कोई उल्लू बैठा होगा या कोई पक्षी बैठा होगा जिसकी आवाज़ होगी, तो हमेशा एक लॉजिकल दिमाग साथ में होता था। तो मैं बाथरूम की तरफ जा रही थी और अजीब से फुफकारने की आवाज़ आ रही थी, और उस बाथरूम में अजीब ये था कि सरकारी क्वार्टर था कि लाइट ऑन करने के लिए जो स्विच था ना, वो बाथरूम के अंदर की दीवार पे था, मतलब बाथरूम का ऐसे गेट खोलना होता था और अंदर जाके राइट की इधर दीवार पे लाइट का स्विच था। तो मैंने बाथरूम का गेट खोला, लाइट दबाई, जैसे ही लाइट ऑन हुई मैंने देखा कि मेरे पैरों के जस्ट नीचे लगभग आधा फुट की दूरी पर, मतलब मेरे पैरों पर ही लगभग एक प्रॉपर 12-13 फुट लंबा पाइथन सांप, पाइथन बहुत जहरीला सांप होता है पाइथन, और बहुत मोटा होता है, इतना मोटा सांप होता है पूरा, और जिसको आप अजगर बोलते हैं ना, अजगर से ज़्यादा खतरनाक होता है, इसके काटने पर आप 15-20 सेकंड के अंदर मृत्यु हो सकती है, मतलब बहुत ही खतरनाक सांप होता है। तो वो सांप मेरे पैरों के नीचे आधा फुट और फुल फन उठाए खड़ा है, वो घटना मुझे आज भी याद है। अब यार मैंने उसको देखा, मैं जो पीछे जिस सेकंड में दौड़ी, किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई, अब मैं दौड़ के अंदर मम्मी पापा के पास गई, और मैं गई, मेरे मम्मी पापा मुझे अच्छे से याद है बैठे हुए हैं, और मैं ना अपने खुद के बाल ऐसे पकड़ के, अपने ही खुद के बाल खींच रही हूँ, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, चिल्लाए जा रही हूँ, अपने खुद के बाल खींच रही हूँ, बहुत ज़ोर से चिल्ला रही हूँ। मेरे मम्मी पापा पूछ रहे क्या हुआ, मैं कुछ नहीं बोल रही और मैं चिल्ला रही हूँ, और मैं अपने ही हाथों से अपने ही बाल खींच रही हूँ पागलों की तरह, मतलब ये हो गया, मुझे टाइम लिमिट याद नहीं है कि कितनी देर ये सब हुआ, लेकिन मैं चिल्ला रही हूँ, और घर वाले लोग डर गए बिल्कुल, इस तरीके को क्या हुआ। फिर मेरे पापा ने एक जोर का थप्पड़ दिया मुझे मैंने अपनी ज़िंदगी में पापा का केवल एक ही थप्पड़ खाया है, जो उस दिन खाया है। जब वो थप्पड़ दिया तो मेरे को होश आया, फिर मैंने कहा सांप, फिर मेरी आवाज़ निकली, सांप कहाँ है, सांप बोले बाथरूम में सांप है, बहुत बड़ा सांप है, फिर वो जाके थोड़ी आवाज़ आई, नहीं तो उस दिन तो मुझे ऐसा अटैक आया था, मतलब मैं पगला गई थी बिल्कुल, हाथ मैंने अपने बाल खींच डाले, खुद के बाल खींच डाले, आंसू निकले आए, और बिल्कुल अजीब सी हालत हो गई, पागलपन का दौरा पड़ गया उस दिन। लेकिन वो क्यों था, क्योंकि मैं डर गई थी, ठीक है। ये हुआ पहला इंसिडेंस।
दूसरा इंसिडेंस भी इसी जैसा है। दूसरा इंसिडेंस हुआ है कॉलेज के टाइम का। कॉलेज के टाइम पर क्या था कि जो कुछ भी इमोशनल ड्रामा कॉलेज में चलता होगा, मुझे घटना तो याद नहीं है क्या थी, लेकिन कुछ ऐसी बात थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं इमोशनली परेशान थी। अब वो क्या था, कोई एग्ज़ाम की टेंशन थी या क्या था, वो मुझे घटना याद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इतना पता है कि कुछ टेंशन वाली बात चल रही थी। तो मैंने अपनी रूम पार्टनर से कहा, मेरी रूम पार्टनर का नाम है रेणु, अगर बाय चांस रेणु तो ये वीडियो देख रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर, ठीक है, डॉक्टर रेणु। रेणु मेरे साथ रूम पार्टनर थी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा घूमने चलते हैं। बाहर एक मंदिर था, बाहर नहीं मतलब 20-30 किलोमीटर दूर एक मंदिर था जो कि काफ़ी ऊंचा, जैसे देवी माता के मंदिर होते हैं ना पहाड़ियों पे जाके, तो वैसे ही पहाड़ियों पे जाके एक मंदिर था। तो हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा पहाड़ी पे चढ़ेंगे और यू नो दर्शन वर्शन करेंगे, थोड़ा मूड फ्रेश होता है। तो हम दोनों चले गए, बढ़िया बस पकड़ी, वहाँ चले गए। अब हम लोग मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और भीड़ काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई थी, मंदिर में होती ही है, देवियों का मंदिर होता है, वहाँ भीड़ तो हो ही जाती है, तो भीड़ थी आगे। और मंदिर कैसे होते हैं हिंदुओं के, आप लोग समझ सकते होंगे कि जो बाहर से खूब बड़े से दिखते हैं, लेकिन जो गर्भगृह होता है जहाँ पर भगवान जी की या माता जी की मूर्ति होती है, जो पिंडी होती है, वो अक्सर बहुत छोटी सी जगह होती है, बहुत ही ज़्यादा कोजी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसमें, और एक जाने का रास्ता होता है, निकलने का रास्ता होता है, ऐसे जाते जाओ दर्शन करो निकलते जाओ। अब जब मैं मंदिर की सीढ़ियों पर थी तो उस भीड़ में जैसे ही मैं गर्भगृह के अंदर पहुंचने वाली थी, मेरे आगे चार पांच महिलाओं को छोड़ के आगे एक महिला थी, उसने अपना तांडव चालू कर दिया, जो देवी आने वाला होता है, बाल को पटकना और हाथ ऐसे फैलाना, वो सब चालू कर दिया। यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, उन लोगों को मैं कुल क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ जो भक्ति भावना रखते हैं, उन चीज़ों के ऊपर श्रद्धा रखते हैं। आपकी श्रद्धा है कि माता आती है, देवी देवता आते हैं, पूर्वज आते हैं, वो आपकी श्रद्धा का विषय है, मैं उसे गलत बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं केवल अपनी जो बात है उसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं केवल वो घटना बता रही हूँ। तो वो महिला को देवी आना चालू हुआ, उसने ऐसे बाल बाल फेंकना चालू किया। मैं उस महिला से 5-6 इंसानों के पीछे थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगी, वो तो दर्शन वहाँ कर रही है दर्शन, अब मुझे इन चीज़ों से ना थोड़ा सा डर लगता है। मैं ना ऐसे एक मिनट ना बताते मुझे क्या इन चीज़ों में एक थोड़ा अजीब सा डर लगता है। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं वहाँ गई, आगे निकलने वाली थी, मुझे अचानक से चक्कर आए, बहुत भयंकर चक्कर आए। मैंने अपनी पार्टनर जो थी, रूम पार्टनर जो थी मेरे साथ रेणु, मैंने उसको बोला रेणु मुझे चक्कर आ रहे हैं, और ये बोलते ही मेरे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन पर्स वगैरह रहे होंगे वो छूट गए। सामने रेलिंग जैसी कुछ चीज़ थी, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी लेकिन वो पकड़ में आई नहीं आई, ऐसा हुआ और मैं गिरने लगी वहाँ पे। अब जो आपको चक्कर आते हैं ना, चक्कर और बेहोशी में अंतर होता है। बेहोशी में तो आपको होश ही नहीं रहता, लेकिन जब चक्कर आते हैं तो आपको चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन वो क्लियरली नहीं समझ में आती। अब मुझे थोड़ा सा विजुलाइज़ हो रहा था कि यार सामने एक दरवाज़ा है और मैं इस दरवाजे से निकल जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं निकलने की कोशिश करूं लोग मुझे धक्का दे दे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि मुझ पे माता आ गई है, जबकि मुझे आए थे चक्कर। भैया उन्होंने 10-5 मिनट उन्होंने मेरे को देवी के दर्शन करो, मैं बोलूँ मुझे बाहर निकलने दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे बाहर जाने दो, लेकिन वो लोग मुझे निकलने नहीं दें। जैसे तैसे करके वहाँ से मैं निकली, बाहर आके बैठी, ठीक है। ये हुई दूसरी घटना। मेरी रूम पार्टनर ने बाद में मुझसे पूछा, देख यार तेरे को चक्कर ही आए थे ना, कुछ और है तो बता दे यार। मैंने कहा नहीं, मेरे को वास्तव में चक्कर ही आए थे, मैं डर गई थी यार वो सीन देख के, वो जो जिस तरीके से औरत अपने बाल फैला लिए वो डांस करने लगी, उसको देख के मैं डर गई थी, और डरने की वजह से मुझे चक्कर आ गए थे, और कुछ नहीं हुआ था मुझे। लेकिन वो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर भी माता आ गई थी, या मेरे को भी कुछ इस प्रकार से हो गया था, जबकि मुझे कुछ नहीं हुआ था, मुझे केवल चक्कर आए थे, ठीक है। तीसरी घटना और है जो कि इमोशनल घटना है। अभी रिसेंटली 2 साल पहले मेरे डॉग की डेथ हुई, ठीक है, 30 नवंबर 2021 को। अब उस डॉग की डेथ हुई, उसके एक तो क्या मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पेरेंट्स और हस्बैंड और ये सब लोग मेरे साथ नहीं रहते, तो जब डॉग की डेथ हुई उसके बाद 2-3 दिन के बाद में मुझे घर पे अकेले रहना पड़ रहा था, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल वाली एक माहौल था। मैं मानती हूँ कि उस दौरान मैं जितने ज़्यादा तकलीफ़ में रही हूँ उतना मैं कभी नहीं रही इमोशनल तकलीफ़ में। एक दिन क्या हुआ कि मैं रो रही थी रात में बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली क्योंकि डेथ हुई थी तो आपको बुरा तो लगता है, यादें आती हैं पुरानी। अचानक से मैंने महसूस किया कि रात को 2-3 बजे रोते रोते मैंने महसूस किया कि मेरा जबड़ा काम नहीं कर रहा है,
ये जो नीचे का हिस्सा है ना, ये सुन्न पड़ गया है और मुझे पैरालिसिस टाइप का कुछ चीज़ फील हुई कि मेरा ये हिस्सा काम नहीं कर रहा है, जो अकड़ गया ऐसे। और फिर मैंने नोटिस किया कि मेरा राइट हैंड है वो अकड़ गया है, ऐसे ट्विस्ट हो गया है, ठीक है, इस तरीके का ट्विस्ट हो गया। रात को 2-3 बजे की बात होगी। अब जब मैंने ये महसूस किया, डॉक्टर होने का फ़ायदा होता है कि कम से कम एटलीस्ट आप खुद बीमार ज़्यादा नहीं पड़ते हो। जैसे ही मैंने ये नोटिस किया कि मेरा जबड़ा अकड़ गया है, मेरा राइट हैंड काम नहीं कर रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, देखने में लग सकता है कि पैरालिसिस है, बट ऐसा नहीं था। एक्चुअली मुझे पता था कि ये स्ट्रेस के कारण हो रहा है। स्ट्रेस इतनी ज़्यादा, और स्ट्रेस से भी ज़्यादा घुटन, जब आपके घर में, आपके परिवार में किसी की डेथ होती है ना, तब आप उसके रो के निकाल दो, जब आप उसके बारे में बात कर लो, अपना गुस्सा निकाल दो, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन चूंकि मैं अकेली रहती थी तो मेरे पास कोई था नहीं बात करने के लिए, अकेले घर में मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, और उस घुटन और उस स्ट्रेस के कारण मुझे रात में साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से इस प्रकार की फीलिंग आई कि मेरा जबड़ा अटक गया, मेरा राइट हैंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। 10 से 15 मिनट इस प्रकार का अकड़ा रहा। लेकिन चूंकि डॉक्टर हूँ, मैंने अपने दिमाग को रिलैक्स किया, मैंने अपने दूसरे डॉग को अपने राइट दूसरे हाथ से पैट करना चालू किया। मेरा डॉग बहुत अच्छे हैं, वो मेरे पास आ जाते हैं, मुझे कडल करने लगते हैं। धीरे धीरे मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हुआ। मैंने डीप सांस लेना चालू किया, गहरी सांस ली, गहरी सांस छोड़ी, और 10 से 15 मिनट में जो जबड़ा था वो भी सही हो गया, हाथ था वो भी सही हो गया, ठीक है, कोई अटैक नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब ये तीनों घटनाएँ मैंने आपको क्यों बताई, ठीक है, इन तीनों घटनाओं को अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें हो क्या रहा है। जब कभी भी आपके इमोशंस में, किसी भी प्रकार के इमोशन में एकदम से बहुत बड़ा चेंज आता है, बहुत बड़ा, ठीक है, ऐसे जैसे मान लो आप बिल्कुल नॉर्मल 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 जा रहे हो, एकदम से आपको पता चले कि आपके घर में किसी की डेथ हो गई, एकदम से सडनली पता चला, ऐसे कंडीशन में पता चला कि आप उसको समझ नहीं पाए। कई बार पत्नियों के साथ में होता है कि यार अचानक से फ़ोन पर सूचना आई है कि हस्बैंड की डेथ हो गई, अब वो अकेले हो, रो नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, हुआ क्या ये समझ में नहीं आया, इमोशन ऐसे ऐसे चल रहे थे, एकदम से पता चला डेथ हो गई, बिल्कुल ड्रॉप चला गया। ऐसी कंडीशन में आपका दिमाग चीज़ों को सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाता, और एनालिसिस नहीं करने के कारण आपको बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के स्पाज्म आ सकते हैं, झटके आते हैं प्रॉपर। आप जो एग्जोसेंस वाली मूवी होती है ना, जिसमें ऐसे करके अटक जाते हैं ना, आपका शरीर ऐसे हो जाता है, टेढ़ा आड़ा मेढ़ा टेढ़ा हो सकता है। अगर कोई बच्चा है जो बिल्कुल टॉप की पढ़ाई करता है, उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि यार वो तो टॉप ही करने वाला है, एटलीस्ट टॉप नहीं तो टॉप 10 में तो आएगा ही आएगा, शर्त लगा लो, बिल्कुल लिखवा के ले लो स्टैम्प पेपर में, कुछ हो ही नहीं सकता। वो बच्चा इतना कॉन्फिडेंट है और वो जाता है, एकदम से रिजल्ट देखता है, रिजल्ट में पता चलता है कि वो फेल हो गया, किसी भी कारण से फेल हो गया। वो जो एकदम से था कि हाँ मैं तो टॉप करूँगा टॉप करूँगा टॉप करूँगा, और सडनली पता चला कि फेल हो गया। ये जो आपके इमोशन का सडन ड्रॉप होता है ना, इसकी वजह से आपके दिमाग का संतुलन गड़बड़ा जाता है और बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के स्पाज्म आते हैं। ये जो स्पाज्म आते हैं ये कोई बीमारी नहीं होते, ये केवल आपके मेंटल कंडीशन के कारण आते हैं। लेकिन लेकिन अगर ये ज़िंदगी में एक दो बार आ रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग इसको एक बीमारी के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बीमारी होती है हिस्टीरिया। जनरली सामान्य रूप से लोग इसको मिर्गी समझ लेते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी झटके किसी को आ रहे हैं ना, कि ये मिर्गी की बीमारी है, ऐसा लगता है, लेकिन ये मिर्गी नहीं होती। मिर्गी और ये जो कंडीशन है, आयुर्वेद में इसको योषा अपस्मार की कंडीशन कही जाती है, ठीक है, कुछ लोग उन्माद की कंडीशन भी बोलते हैं, लेकिन उन्माद एक डिफरेंट डिसऑर्डर है, ये योषा अपस्मार की कंडीशन है। अब एपिलेप्सी एंड हिस्टीरिया, ये इस प्रकार की दो बीमारियां होती हैं। हिस्टीरिया की कंडीशन तभी होगी जब आपके इमोशन में सडन ड्रॉप होगा, आपको आपको मन में कोई घुटन है, कोई बात है जो आप किसी से कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, लेकिन उसको बता नहीं पा रहे हो, आपके इमोशन अलग अलग प्रकार के अंदर चल रहे हैं लेकिन वो निकल के नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति का जो मन होता है, ये इतना छोटा सा जो मन है ना आपके दिमाग के, पता नहीं किस हिस्से में रहता है, क्या है ये चीज़ पता नहीं, लेकिन ये जो मन होता है ना, ये आपको अलग अलग प्रकार के झटके पैदा कर देता है शरीर में। आपका शरीर अकड़ जाएगा, सांस रुक जाएगी, झटके आने लगेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें होने लगेंगी, लोग अपने हाथ ऐसे कर लेते हैं, मुंह बना लेते हैं आड़ा टेढ़ा, किसी की कुछ हो जाएगी कुछ हो जाएगी, और ये चलता रहेगा। ये वास्तव में एक मेंटल कंडीशन है, ये वास्तव में कोई बीमारी नहीं होती। बीमारी है लेकिन मस्तिष्क की बीमारी है, मन की बीमारी है मेनली,
ठीक है, ये एक मानसिक कंडीशन है जो कि डिप्रेशन के कारण पैदा होती है, ज़्यादा सोचने के कारण पैदा होती है, खुश नहीं रहने के कारण पैदा होती है। कभी कभी लोग इसको अपनी सिचुएशन को ज़्यादा बेटर तरीके से डील करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ कर लेते बताती हूँ कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है। मान लीजिए दो कप कोई है, दो व्यक्ति हैं, उनका झगड़ा हो रहा है। ठीक है, अब झगड़े होते में अगर एक व्यक्ति को इस प्रकार का झटका आ जाए, लोग ऐसे आड़ा टेढ़ा मुंह बना ले, रोने लगे, सांस नहीं आए, एक्टिंग करने लगे, तो लोग क्या करेंगे, पूरा समाज एक तो घिर जाएगा आसपास, और सारा समाज जो दूसरा व्यक्ति जो ठीक है उसको बोलेगा कि यार उसकी तबीयत खराब हो जाती है, क्यों उससे झगड़ा करते हो, जबकि वो सही है, उसके लॉजिक सही है भाई, वो सही है, वो सही काम कर रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि इसने पूरी एक्टिंग कर ली, इसने पूरा लोगों को इकट्ठा कर लिया, बीमार होने की पूरा नाटक कर लिया कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, तो ऐसे करके ना वो एक सिंपथी पॉइंट जीत लेता है। तो इस प्रकार से आपका दिमाग ना आपको एक सिचुएशन से निकलने के लिए रास्ता दे देता है, जो कि गलत रास्ता है, लेकिन दिमाग दे देता है कि भाई तुम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वैसे तो कोई तुम्हारी ध्यान रखता नहीं है, तुम्हें किसी का अट्रैक्शन मिलता नहीं है, तुम्हारा अटेंशन मिलता नहीं है, तो इस प्रकार से बीमार हो जाओ, ऐसे बना लो, हाथ अटका दो, ये कर दो, थोड़ा चेहरा इधर उधर कर दो, थोड़ी लार टपका दो, रो लो, जोर जोर से सांसें ले लो, थोड़ा ऐसे छाती पीट लो अपनी, थोड़ा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो ऐसे करके लोग तुम पे ध्यान देने लगेंगे, लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे, लोग तुम्हें केयर करने लगेंगे। इस प्रकार से कुछ व्यक्ति इस बीमारी को इस तरीके से यूज़ करने लगते हैं। एपिलेप्सी और हिस्टीरिया दोनों बहुत ही अलग बीमारी होती है। मैं यहाँ पर आपको कुछ ना इनके सिम्टम बताने की कोशिश करूँगी जिससे आप समझ सकते हो कि दोनों कंडीशन में क्या अंतर होता है। एपिलेप्सी एक बीमारी है प्रॉपर तरीके से। एपिलेप्सी का झटका यानी कि मिर्गी का झटका व्यक्ति को कभी भी कहीं भी आ सकता है, कहीं भी कभी भी आएगा। अगर एपिलेप्सी का व्यक्ति है वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा है तो भैया उसको अगर वहाँ दौरा आ गया तो पहाड़ी से गिर जाएगा, वो अपने आप को बचा नहीं सकता, वो गिर जाएगा वहाँ पे, उसको नहीं पता होगा कि वो अपने आप को कैसे बचाए, उसको नहीं है। एपिलेप्सी के पेशेंट को दौरा कभी भी कहीं भी आ सकता है, ड्राइविंग चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, पहाड़ पे चढ़ते हुए, कहीं भी आ सकता है। इसीलिए अगर आप ध्यान दो तो कई जगह पर नोटिफिकेशन लिखा होता है कि एपिलेप्सी वाले पेशेंट हैं, उनको यहाँ आना मना है, कई जगह पर नोटिफिकेशन होते हैं इस प्रकार के, क्योंकि अगर उनको वहाँ दौरा आया तो वो अपनी दुर्घटना, उनकी जान जा सकती है। स्विमिंग करने के दौरान होता है, अगर स्विमिंग करते समय अचानक से दौरा आ गया तो व्यक्ति डूब जाएगा, वो अपने आप को नहीं बचा सकता। तो इसलिए बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं जो कि एपिलेप्सी के पेशेंट को दिए जाते हैं। उसके अपोज में जो हिस्टीरिया का दौरा है, जो व्यक्ति को दिमाग के कारण आता है, ये हमेशा ही भीड़ में आता है, और भीड़ भी अनजान लोगों की भीड़ नहीं, जहाँ पर व्यक्ति की केयर हो सकती है, जहाँ उसको संभालने वाले लोग हैं, जहाँ उसको ध्यान देने वाले लोग हैं, उन लोगों के बीच में ही आएगा। हिस्टीरिया का दौरा कभी भी अकेले नहीं आता, घर में अकेले आप देख रहे हो आपको नहीं आएगा, आपको हमेशा जब 10-5 लोग हैं जो आपकी बात सुन सकते हैं, जब आपका रोना सुन सकते हैं, आपकी जो आपको संभाल सकते हैं, आपके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो सकती है, हिस्टीरिया वहीं पर आएगा। अकेले में हिस्टीरिया का दौरा कभी नहीं आता, ठीक है। उसके बाद दोनों दौरों में अंतर भी होता है। एपिलेप्सी का दौरा 10 से 15-20 मिनट तक मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम बता रही हूँ, नॉर्मली तो 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के ही होते हैं, लेकिन चलो मान भी लेते हैं 10 से 15 मिनट का भी हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एपिलेप्सी का दौरा आने पर, मिर्गी का दौरा आने के बाद में पेशेंट को कुछ एहसास नहीं होता, ठीक है, समझिए इस बात को। अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आता है तो जैसे उसको मिर्गी का दौरा आया, स्टार्टिंग हुई और फिर ख़त्म हो गया, और उसके बाद व्यक्ति होश में आ गया, होश में आने के बाद उसको पहले जो कुछ भी हुआ, बीच में जो कुछ भी हुआ, उसको याद नहीं रहेगा। वो खड़ा ऐसे होगा, दौरा आ रहा है, खड़ा हुआ एकदम से, फिर वो आसपास ऐसे देखेगा और पूछेगा क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, क्या बात हुई, उसको कुछ एहसास नहीं होगा। ना ही उसको दौरा ख़त्म होने के बाद सिर में दर्द होगा, ना उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, ना कुछ होगा, वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता है, इसके लिए एक बहुत शब्द बोला जाता है कि जैसे व्यक्ति सोकर उठ जाता है ना, ऐसी फीलिंग आती है। अगर रात में आप कोई डरावना सपना देख रहे हो, फिर एकदम से आपकी नींद खुल जाए, उठ जाओ, उठने के बाद में सब कुछ ऐसा लगता है यार सही तो है, ना कोई आपको महसूस होगा कि आपकी छाती के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है, ना आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, कुछ नहीं होगा। एपिलेप्सी का दौरा जो कि वास्तव में एक बीमारी है, उसमें व्यक्ति को बाद में कुछ नहीं होता। वहीं हिस्टीरिया के दौरे में, एक तो ये बहुत लंबा होता है, 1-2 घंटे तक चल सकता है, जितनी ज़्यादा भीड़ है, जितने ज़्यादा लोग हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो हिस्टीरिया का दौरा होगा ना, उसमें व्यक्ति बाद में अगले 2-3 दिन तक बीमार रहेगा,
बोलेगा कि यार मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को उल्टी आ रही है। कई बार उल्टी वगैरह वैसे आ भी सकती है, उल्टी आना कोई इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं होती। नौजिया होना, उल्टी जैसी फीलिंग होना, ये नॉर्मली भी हो जाती है, लेकिन हिस्टीरिया के पेशेंट में काफ़ी लंबे समय तक, अगले 2-3 दिन तक उसका ये रहेगा कि हाँ मुझे तबीयत ख़राब है, मुझे कुछ हो गया है। वो हर किसी को जाके बताएगा कि अरे मेरे को झटका आए थे, मुझे झटके आए थे, मुझे तो झटके आए थे। वो सबको एक एक व्यक्ति को जाके बताएंगे, जब तक भीड़ को नहीं बता देंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन उठा के ले गया, कैसे ले गया, वो सब बताएंगे। वहीं एपिलेप्सी के पेशेंट कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, उसको नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता इसका दौरा कब स्टार्ट हुआ था, कब ख़त्म हुआ, उसको ये भी नहीं पता है, तो वो कैसे बताएगा किसी और को जब उसे पता ही नहीं है, उसकी मेमोरी में उसका कोई पार्ट है ही नहीं। वहीं जो हिस्टीरिया का पेशेंट है ना, उसको सब याद है कि मेरी छाती के ऊपर कोई बैठा था, कोई मेरा गला घोंट रहा था, मेरे को सांस नहीं आ रही थी, मेरे को हाथ पैरों में दर्द उठ रहा था, मेरे को पीछे कोई खींच रहा था, उसको सब याद रहेगा। हिस्टीरिया में सब याद रहता है। लोग बोलेंगे कि ऐसा लग रहा था कि मेरी छाती के ऊपर कोई बैठा है, गला घुटने वाली फीलिंग आती है, मेरे को सांस नहीं आ रही थी, बोले मुझे सांस नहीं आ रही थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी, इस तरीके की फीलिंग आएगी। वहीं एपिलेप्सी में ऐसा कुछ नहीं होता, उसको पता ही नहीं है कि उसको कोई दौरा आया है, ठीक है। ये हिस्टीरिया में और एपिलेप्सी में दूसरा अंतर होता है। तीसरा अंतर होता है कि एपिलेप्सी का पेशेंट, जैसा मैंने बताया कि वो कभी भी कहीं भी गिर सकता है, तो अगर उसके सामने कांच पड़ा है, टेबल पड़ी है, कुछ पड़ी है, उसके सिर में चोट लग जाएगी भाई, वो गिरेगा और सिर फूटेगा, क्योंकि शरीर ऐसा अकड़ गया है। अब आप कोई 6 फुट का इंसान है, उसको एपिलेप्सी का दौरा आया और वो धड़ाम से गिरा, तो उसका सिर फूटेगा, चोट लगेगी। अगर जिन बच्चों को या जिन लोगों को झटके की बीमारी होती है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर ज़्यादातर ये सवाल पूछते हैं कि जब झटका आया था, जब दौरा आया था, तो क्या आपको चोट लगी थी, कभी सिर फूटा, कभी हाथ टूट गया, टूटा नहीं तो एटलीस्ट कम से कम नील पड़ गया हो, पूरा सूज गया हो, मोच आ गई हो, बड़ी सी लंबी चौड़ी, हाथ नीला पड़ गया, ऐसा कुछ हुआ, या सिर के बल गिरे अगर आप, तो सिर के ऊपर एक वो कहता है ना गुमटी बन गई है, सूज गया है पूरा यहाँ पे, ऐसा कुछ सूजा, इतनी चोट लगी क्या, ये पूछते हैं। अगर चोट लगी है, प्रॉपर विजिबल चोट लगी है, तो एपिलेप्सी का हो सकता है। वहीं हिस्टीरिया के पेशेंट जब गिरेगा तो उसको कोई चोट नहीं लगती, वो ऐसे करके गिरेगा, कमर के बल गिरेगा, पीठ के बल गिरेगा, उसको चोट नहीं लगेगी, ना हाथ में ना सिर में, कोई चोट नहीं है, वो केवल इस तरीके से गिर जाएगा। तो ये एक बेसिक अंतर होते हैं इसमें। हिस्टीरिया एक मानसिक अवस्था के कारण होती है। व्यक्ति जब दिमाग में बहुत ज़्यादा ऊटपटांग विचार चलते रहते हैं, डिप्रेशन है, अवसाद की कंडीशन है, उसकी वजह से हिस्टीरिया डेवलप होता है। ज़िंदगी में 1-2 बार इस प्रकार की घटनाएँ हो जाना, जो कि मैंने आपको शुरू में बताई कि जो सांप को देख के मैं पगला गई थी, अपने खुद के बाल खींचने लगी थी, वो हो गया, तो वो शायद चलता है, क्योंकि वो बीमारी के कारण नहीं हुई है, वो इमोशन ड्रॉप होने के कारण हुई है। एकदम से आप ठीक थे और अचानक से कुछ आपकी लाइफ में हो गया, लेकिन लाइफ में कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी आपको इस तरीके के दौरे आ रहे हैं, तब वो मानसिक कंडीशन के कारण होते हैं। आपके घर में किसी की डेथ हो गई और आप कुछ दिन के लिए पगला गए, या फिर आपके 40-50 लाख रुपए का नुकसान हो गया, आप मिडिल क्लास फैमिली के और आप इतना नुकसान नहीं झेल सकते, 40-50 लाख रुपए आपके चोरी हो गए या कुछ हो गया, और एकदम से आपका मानसिक संतुलन ख़राब हो गया और आपको झटके आ गए, दौरे आ गए, वो एक इमोशन के ड्रॉप होने के कारण आया है। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको आप हैंडल नहीं कर पाए, लेकिन सिचुएशन सब कुछ सही चल रही है, या फिर छोटा मोटा झगड़ा हुआ, जरा जरा सी बात हुई, घर परिवार की कोई बातें हुई, या फिर आजकल के टीनेज कपल में भी होने लगा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बातचीत करते हैं, किसी ने ब्लॉक कर दिया तो कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर दिया तो हो गया, इस प्रकार की जो घटनाएँ होती हैं, ठीक है, ये सारी जो घटनाएं होती हैं वो हिस्टीरिया की कंडीशन में आती है, जो कि एक मानसिक बीमारी है। इसमें शरीर के अंदर कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन आपका माइंड और सबकॉन्शियस माइंड आपको बीमारी क्रिएट करता है। आपके अंदर के जो गुस्सा है उसको बाहर निकालने का एक जरिया होता है, लोगों को अपनी बात सुनाने का एक जरिया होता है, अपना टेंशन, अपना मन में जो गुबार भरा हुआ है ना, उसको निकालने का एक जरिया होता है। वहीं एपिलेप्सी एक डिफरेंटली कम्प्लीटली अलग बीमारी है, जिसके बारे में ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो एक प्रॉपर बीमारी है। हिस्टीरिया का पेशेंट अगर आपको बार बार अपने आसपास कोई भी मिले, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, उसमें दवाइयों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हिस्टीरिया के पेशेंट को आपको साइकेट्रिक को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, साइको एनालिसिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, वो बता सकते हैं कि इसको कैसे ठीक करना है,
वो आपको बताएंगे। लेकिन एपिलेप्सी में एक प्रॉपर डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, प्लीज़ कभी कंफ्यूज मत होइए। और आपके आसपास में अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखें कि उसके इस प्रकार से झटके आ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करें क्या है। यदि हिस्टीरिया की कंडीशन का पेशेंट है तो बेहतर रहेगा कि आप उसकी मानसिक कंडीशन को समझें, उसको मानसिक रूप से उसको थोड़ा सा स्टेबल देने का प्रयास करें, उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। वहीं एपिलेप्सी का पेशेंट है तो उसको प्रॉपर मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो मैंने कहाँ अपनी कहानियों से चालू किया था, फिर मैं हिस्टीरिया और एपिलेप्सी पर आ गई, मुझे पता नहीं भाई कैसे होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने आज तक इस तरीके के कौन से दौरे देखे हैं, कौन सी चीज़ें देखी हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कौन से वीडियो के टॉपिक के ऊपर या हेल्थ के ऊपर आप थोड़ा सा नॉलेज चाहते हैं कि मैं इस प्रकार से डिटेल में बताऊँ, तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।